आज हम कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एक साल के अंदर काफी कॉइन्स इनमें से $1 को हिट करते हुए देख सकते हैं। $1 के प्राइस तक जो है ये कॉइन्स जा सकते हैं। कौन कौन से वो कॉइन्स हैं आज यही डिस्कस करेंगे। इन कॉइन्स सभी कॉइन्स की जो वैल्यू है 10 रुपये से कम है, एक कॉइन की थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आज ये कॉइन्स आपको सब मैं बताने वाला हूँ। और फ्यूचर में टारगेट रहेगा एक साल से दो साल के अंदर ये जो सभी कॉइन्स हैं $1 को हिट करते दिखेंगे, $1 से भी ऊपर जाते दिखेंगे। और सबसे पहले नंबर पे इस लिस्ट में हमने जिस कॉइन को रखा है वो रखा है वी चेन को। वी चेन के प्राइस 9 रुपये में 8 रुपये पे ट्रेड कर रहे थे आज से कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी ये कॉइन एक कॉइन है जो 12 रुपये पे पहुंच गया है। 12 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है, 12 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर कोई $1 को हिट करता हुआ दिखेगा तो वो वी चेन दिखेगा। और एक लिटिल जेम हम कह सकते हैं, ये सभी लिटिल जेम्स है, एक छोटे जेम है लेकिन फ्यूचर में बड़े जेम बनने वाले हैं। और अभी जो प्राइस है छोटे हैं, मतलब कम है, और फ्यूचर में काफ़ी इंक्रीज मैं वी चेन के प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज वी चेन करने वाला है फ्यूचर में। तो सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है वी चेन को। सेकेंड नंबर के कॉइन की बात करें तो वो है IOTX कॉइन। IOTX ने भी रिसेंटली बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। अभी इस कॉइन का प्राइस चल रहा है 7 रुपये पे, 7 रुपये 50 पैसे पे ये कॉइन अभी ट्रेड कर रहा है। और फ्यूचर में ये कॉइन भी आपको $1 को हिट करता दिख सकता है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसने अभी 2-3 दिन पहले ही दिखाए थे अगर आपने देखे हो तो। और IOTX भी एक बहुत बढ़िया कॉइन है, ये कॉइन्स भी आप कंसिडर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो सेकेंड नंबर पर हमने रखा है IOTX को। थर्ड नंबर के कॉइन की बात करें तो वो है IOST। एक IOTX है, एक IOST है। IOST के प्राइस की अगर बात करें 3 रुपये का ये कॉइन है, 3 रुपीज़ ओनली, लेकिन इस कॉइन के अंदर पोटेंशियल बहुत है, बहुत पोटेंशियल है। और जल्दी ही ये भी आपको $1 को हिट करता दिख सकता है 1 से 2 साल के अंदर, ठीक है। थर्ड नंबर पे रहेगा हमारा IOST कॉइन। फोर्थ नंबर के कॉइन की बात करें तो वो है रीफ कॉइन। रीफ कॉइन के प्राइस अगर बात करें तो रीफ कॉइन के प्राइस 2 रुपये पे हैं अभी, सिर्फ 2 रुपीज़ का ये कॉइन है, लेकिन इस कॉइन के अंदर भी बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर में कमाल करने का। और 2 रुपये का ये कॉइन जल्दी ही आपको $1 को हिट करता दिख सकता है 1 साल के अंदर। इन सभी कॉइन्स में पोटेंशियल है और 10 रुपये से कम है वैल्यू अभी, 10 रुपीज़ से कम है। तो एक अच्छा मौका है इन सभी कॉइन्स को होल्ड करके रखने का 1 से 2 साल के लिए। फाइव नंबर के कॉइन की अगर बात करें तो वो है TRX कॉइन, है ना। ट्रॉन का आपने नाम सुना होगा, ट्रॉन कॉइन के बारे में आज बात करेंगे। वो है उसके अगर TRX कॉइन के प्राइस की बात करें तो 6 रुपीज़ 7 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और ये भी फ्यूचर में आपको जिस तरह की ट्रॉन चेन है, ट्रॉन फाउंडेशन, ये सब चीज़ें ट्रॉन कॉइन को आगे लेके जाएंगी और ट्रॉन भी आपको $1 को हिट करता हुआ दिख सकता है। तो यही कुछ कॉइन्स थे जिनकी वैल्यू अभी 1 रुपये से कम है, मतलब 10 रुपये से कम है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट ये कॉइन दिखाएंगे। $1 को हिट करते हुए ये कॉइन्स आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे क्या क्या रहेगा इन कॉइन्स का फ्यूचर। और जल्दी ही जो जो अपडेट्स रहेंगी इन सभी कॉइन्स के ऊपर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट्स रहेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये छोटे छोटे जेम है, लिटिल जेम, लिटिल जेम्स को अगर आप अभी से ही होल्ड कर लोगे तो ये एक फ्यूचर में बिग जेम्स बनने वाले हैं, बड़े जेम्स बनने वाले हैं। तो ये एक सही मौका है। बाकी आपकी खुद की रिसर्च बेहद ज़रूरी है इन सभी कॉइन्स के ऊपर। और फ्यूचर में 1 से 2 साल के लिए टारगेट रहेगा, ठीक है। तो यही कुछ बात करनी थी आज कुछ लिटिल जेम्स के बारे में। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।